So how do you differentiate your product from the competitors? भाई आप में ऐसी क्या स्पेशल बात है, क्या खास बात है? Why should I buy your product from you instead of the sellers who are selling it at a much better price? The answer is that you have a brand. But the question is, do you have a brand? What's up everyone? Welcome to the Real Entrepreneur channel. And in this video, I'm going to talk about how to register your own brand in Amazon India in 2019. I will tell you every single thing that you need to take care of in order to register your brand. If you want to register your brand on Amazon India, then this is the last video you'll need to watch. So let's get started. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप एक Amazon सेलर हैं देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज होता क्या है, टू प्रोग्रेस इन एनी फील्ड यू नीड नॉलेज. विदाउट नॉलेज यू कांट skyrocket योर सक्सेस. सो इफ यू want टू गेट information about the most advanced content related to Amazon, for which people pay a lot of money, believe me, they do that, then please subscribe to this channel and also hit the notification bell. So first of all, why do you need a brand, or what is the importance of your brand? जो ब्रांड होती है दैट एक्चुअली मेक्स द कस्टमर्स रियलाइज कि आप यहाँ पे सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है. यू आर नॉट हेयर फॉर जस्ट मिंटिंग मनी. योर पर्पज इज टू जेनरेट इमेंस वैल्यू फॉर योर कस्टमर्स. इससे द कस्टमर्स गेट अट्रैक्टेड टू यू एंड आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है. नाउ आप किसी भी कंपनी का एग्जाम्पल ले लीजिए. लेट्स टॉक अबाउट अडोबी. अडोबी के वेरियस प्रोडक्ट्स हैं. लेट्स से उनका फोटोशॉप है, अडोबी प्रीमियर प्रो है, अडोबी स्पार्क है, बहुत सारे उनके प्रोडक्ट्स हैं. अडोबी के आपको पता है टैगलाइन क्या है? इट्स मेक इट. मेक इट, दैट्स समथिंग फॉर कंटेंट क्रिएटर्स. दे आर ऑलवेज मेकिंग स्टफ. ऑलराइट, दे आर मेकिंग अ वीडियो, दे आर यू नो सिंगिंग अ सॉन्ग और समथिंग लाइक दैट. द मेन पर्पज इज टू मेक कॉन्टेंट, दैट्स वाई मेक इट. Now let's talk about Amazon. Amazon claims itself as the most customer-centric company on earth. Well, again, whether they are doing it or not, it's debatable. But the question is, what is their purpose? Is to generate immense customer value. So this is something that you need to decide for your brand. All right, this is something that is the purpose of every brand, a very strong message. So if you have a strong message, people will very easily be able to identify your products from the others. So that is the importance of a brand. The second main advantage of brand registry is that you will be able to get rid of hijackers easily. Hijackers kya hote hain, ya fir India mein isko mapping kehte hain, aapko uske bare mein batata hu ye kya hota hai. ऐसा होता है कि लेट्स से आपने एक प्रोडक्ट पे मेहनत करी, आपने उसके लिए फोटोशूट करा, आपने उसके लिए कंटेंट लिखा, उसका एसईओ इंप्रूव करा, एंड लेट्स से कि होपफुली वो एक बेस्ट सेलर बन जाता है, या बेस्ट सेलर नहीं तो उसकी काफी अच्छी सेल्स आ जाती हैं. नाउ मैपर्स या हाईजैकर्स क्या करते हैं, वो आपकी ब्रांड पे, ब्रांड तो नहीं कहेंगे अभी, आपकी प्राइवेट लेबलिंग पे वो अपना एज अ सेलर अपने आप को शो कर देते हैं. जिससे होता क्या है कि Amazon के पास कोई तरीका नहीं होता पता लगाने का इफ दे आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट और नॉट. तो अगर वो आपकी लिस्टिंग पे कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और लेट्स से कि उनका प्रोडक्ट टोटली डिफरेंट है जो जैसा आपका प्रोडक्ट है, तो पहली बात आपकी रेटिंग्स डाउन जाएंगी, जो कि बहुत ही भयानक बात है. दूसरी चीज यह है कि यार सोशल मीडिया बात है कि आपने सारी मेहनत करी और वो क्यों बेनिफिट्स उठाए, राइट? यू हैव स्पेंट अ फॉर्च्यून टू डू दैट, व्हाई शुड दे बेनिफिट फ्रॉम यू? सो कोई परमिशन नहीं, कोई कुछ नहीं, एंड दे कैन गेट यू ऑफ इफ दे वांट टू. जस्ट कीप डिक्रीजिंग योर प्राइस और आपकी लिस्टिंग से जो भी तमाशा उनको करने हैं वो करेंगे. तो अल्टीमेटली आपकी लिस्टिंग से आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है अगर आपकी कोई ब्रांड नहीं है. तो ब्रांड रजिस्ट्री का मेन सबसे बड़ा फायदा क्या है कि Amazon आपको थोड़ा सा सीरियसली लेता है. मैं ये नहीं कहूंगा बहुत सीरियसली लेता है, बट थोड़ा सा सीरियसली लेता है अबाउट योर ओन ब्रांड. तो अगर आपकी ब्रांड रजिस्टर्ड है तो इट इज वेरी वेरी इजी टू गेट रिड ऑफ हाईजैकर्स. ऑलराइट, बट इफ योर ब्रांड इज नॉट रजिस्टर्ड देन आपको प्रॉब्लम होगी. तब भी यू कैन गेट रिड ऑफ हाईजैकर्स बट प्रॉब्लम होगी. ठीक है, तो ब्रांड रजिस्ट्री एक्चुअली आपको काफी आपकी ब्रांड को आपकी प्रोडक्ट को काफी ज्यादा स्ट्रेंथन करता है. इट क्रिएट्स अ बाउंड्री अराउंड इट सो दैट अदर पीपल कांट जस्ट कम एंड सेल योर प्रोडक्ट्स. सो दैट इज इट, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू योर प्रोडक्ट्स.
तो थर्ड मेन एडवांटेज क्या है ब्रांड रजिस्ट्री का, वो मैं आपको बताता हूं। नंबर वन कि आपको Amazon A+ लिस्टिंग्स लिस्ट कर सकते हैं आप। A+ लिस्टिंग्स कहते हैं इसे, इनहांस ब्रांड कंटेंट कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कई बार कि कुछ प्रोडक्ट्स के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बड़ा अच्छे से मिलता है, बहुत विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है डिस्क्रिप्शन की, वाइल बहुत सारे प्रोडक्ट में आपको बहुत ही सिंपल प्लेन ब्लैंड बोरिंग सा डिस्क्रिप्शन दिखता है, एक सिंपल पैराग्राफ टाइप। तो ब्रांड रजिस्ट्री में अगर आप ब्रांड रजिस्ट्री अपनी करवा लेते हैं तो आपको एक्चुअली पूरा का पूरा एक विजुअल कंटेंट मिलेगा डिस्क्रिप्शन के लिए, यू विल हैव द एबिलिटी टू डू दैट। ओके, नेक्स्ट इसका एडवांटेज क्या होता है, मेनी पीपल आर एक्चुअली नॉट अवेयर अबाउट दिस वन, यू कैन एक्चुअली क्रिएट योर ओन स्मॉल वेबसाइट ऑन Amazon। नाउ इसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है, Amazon एक्चुअली एक फीचर प्रोवाइड करता है फॉर सेलर्स हु हैव अ ब्रांड, ओनली फॉर सेलर्स हु हैव अ ब्रांड to actually create their own small mini website on Amazon। तो इस product, इस website से क्या होता है कि अगर आप sponsored brands की अपनी मतलब ad करते हैं, ठीक है, sponsored brand करके एक ad होती है, उसमें अगर आप ad करते हैं तो customers can actually go through your products, scroll through your products। तो ये एक बहुत बड़ा जो है आपको advantage मिलता है brand registry के अंदर। नंबर थर्ड एडवांटेज आपको क्या मिलता है ब्रांड रजिस्ट्री के अंदर कि लेट्स सी कि किसी कस्टमर ने एक शॉल खरीदा, ऑलराइट, और उस कस्टमर्स को शॉल बहुत पसंद आ गया, लेट्स सी कि वो शॉल किसी एबीसी ब्रांड का था, ठीक है। अब उसी कस्टमर्स को वो शॉल दोबारा खरीदना है तो वो एक्चुअली क्या कर सकता है कि अगर एबीसी ब्रांड जो है, अगर ये रजिस्टर्ड ब्रांड है Amazon पे है ये, तो वो कस्टमर्स एक्चुअली शॉल लिख सकता है और जो भी ये शॉल है इसको बाय ब्रांड नेम फिल्टर आउट कर सकता है। लेट्स से उसको एक चेकबॉक्स दिख गया एबीसी ब्रांड का जिससे उसने वो शॉल खरीदी थी, तो वो एबीसी पे टिक करेगा और उसको फिर सारे एबीसी के प्रोडक्ट्स ही दिखेंगे। सो दिस इज समथिंग वेरी यूनिक कि आप यू कैन एक्चुअली फिल्टर आउट योर प्रोडक्ट्स बेस्ड जस्ट अपॉन योर ब्रांड नेम। सो दिस इज अ रियली नाइस फीचर इफ यू वॉन्ट टू एक्सपैंड योर ब्रांड एंड इफ यू वॉन्ट टू ग्रो एंड इफ यू वॉन्ट टू थिंक इन द लॉन्ग टर्म। सो नाउ लेट मी टॉक अबाउट कि अपनी ब्रांड रजिस्टर करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। एडवांटेजेस तो बहुत हो गई, ठीक है, सबको कहीं ना कहीं पता होता है, बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अपनी ब्रांड रजिस्टर करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होती है। नंबर वन, आपको एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क चाहिए होगा। प्लीज नोट माई वर्ड्स, आपको रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क चाहिए, अप्लाइड से काम नहीं होगा। नंबर सेकेंड इज कि आपको सम सॉर्ट ऑफ ब्रांडिंग चाहिए अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। नंबर थ्री जो है ये ऑप्शनल है बट इट इज हाईली हाईली रिकमेंडेड दैट यू शुड हैव योर ओन वेबसाइट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तो होता क्या है, एक ट्रेडमार्क जो है वो एक्चुअली मैं जल्दी जल्दी गो थ्रू करता हूं उसको, क्योंकि पूरा बताने का स्कोप, वीडियो का स्कोप नहीं है। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क क्या करता है कि बेसिकली इट प्रोवाइड्स अ सर्टेन काइंड ऑफ आइडेंटिटी टू योर ब्रांड। लेट्स से कि मेरी कोई ब्रांड है, लेट्स से जैसे कैमरा है कैनन, तो कैनन एक ब्रांड है, ठीक है, तो कैनन जो है ये एक ब्रांड है, तो कैनन नाम से कोई और पर्सन सेल नहीं कर सकता, ठीक है, बिकॉज कैनन हैज अ ब्रांड वैल्यू, कैनन इज अ ट्रेडमार्क्ड ब्रांड। नाउ आपको क्या करना होगा कि आपको एक ट्रेडमार्क लेना होगा। ट्रेडमार्क लेने के लिए सबसे पहले आपको एक लोगो बनाना होगा। तो लोगो बनाने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स रिकमेंड करता हूं। अगर आपको अपना लोगो क्रिएट करना है तो प्लीज मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप एक ग्राफिक डिजाइनर की हेल्प लें। बहुत लोग पैसे बचाने के चक्कर में मतलब खुद बना लेते हैं या किसी अरे गहरे दोस्त को दे देते हैं। अगर आप अपने बिजनेस के बारे में इतना सोच रहे हैं कि आप एक ट्रेडमार्क ले रहे हैं, तो क्या इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसकी लॉन्ग रन के लिए एक ट्रेडमार्क, एक ब्रांड जो कि आपके प्रोडक्ट्स का फेस होने वाला है वो अच्छा हो? तो एक ग्राफिक डिजाइनर को कॉन्टैक्ट करिए और अपना खुद का एक जो ट्रेडमार्क है वो डिजाइन कराइए। ट्रेडमार्क डिजाइन नहीं कराइए, एक्चुअली एक लोगो डिजाइन कराइए, ठीक है। तो इसके लिए आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप जा सकते हैं। आपके पास अर्बन क्लैप है, फाइवर नाम की एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, वहां पे आप $5 में अपने लोगोस बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई फ्रेंड बहुत अच्छा ग्राफिक डिजाइनर है तो आप उसको बोल सकते हैं। और लोगो डिजाइन करने से पहले जो मैंने आपको बताया था ना, अपनी वैल्यू जो है
ध्यान में रखिएगा कि व्हाट डू यू एक्चुअली वांट टू कन्वे टू योर कस्टमर्स। ऐसी कुछ भी उठा के मत ब्रांड का नाम रख दीजिएगा जस्ट बिकॉज वो बहुत सुनने में कैची है या बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। ये भी मैटर करता है, बट द ब्रांड नेम शुड कनेक्ट विद यू। ठीक है, नाउ अगर आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं, खुद बनाना चाहते हैं, विच विल आई विल नॉट रिकमेंड यू टू डू, आप canva.com पे जा सकते हैं। वहां पे आप अपना खुद का लोगो क्रिएट कर सकते हैं, बट अगेन आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी उससे रिलेटेड क्रिएट करने में, बिकॉज वेक्टर ग्राफिक्स और बाकियों का चक्कर होता है। आई विल नॉट गो ओवर दैट। तो एक बार अगर आपने लोगो अपना डिजाइन कर लिया है, तो आपको उस लोगो को लेना है, एंड नाउ यू आर एक्चुअली रेडी टू अप्लाई फॉर अ ट्रेडमार्क। Now, एक बहुत अच्छी जो मैं आपको मास्टर टिप दूंगा, जो आपको कोई नहीं बताएगा या आपको बाद में ही ध्यान आएगी करने के, वो पहली बात कि अगर आपने कोई अपना ट्रेडमार्क लिया है जिसको आप अपनी ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो लेट्स से कि आपने लिया है कुछ भी, लेट्स से गोलगप्पा, ठीक है, कुछ भी गोलगप्पा नाम की, लेट्स से आपकी कोई आपका कोई ट्रेडमार्क है, तो प्लीज पहले आप इंश्योर करिए रजिस्टर कराने से पहले कि ये जो गोलगप्पा नाम की जो आपकी ये ब्रांड है, ठीक है, इसका डोमेन भी अवेलेबल है। डोमेन नेम इज एक्चुअली कि उस नेम से आप एक वेबसाइट करके खोल सकते हैं, वो .com वेबसाइट हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो golgappa.com नाम की कोई साइट किसी और के पास नहीं होनी चाहिए। आपको अपना ब्रांड नेम इतना यूनिक सिलेक्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने के बाद उनको ध्यान आता है, अरे यार इसका डोमेन तो ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है, and then you feel like shit. So before that, please make sure कि domain available है, जिस भी नाम से आप trademark अपना register कराने जा रहे हैं। Now, trademark जब आप register कराएंगे तो बहुत सारे mediums हैं, एक बार आपका logo create हो गया है तो बहुत सारे mediums हैं trademark register कराने के। होता तो आपका website पे ही है, website का link is in the description कि कौन सी website पे आपका basically trademark register होता है, government की website है। Now, एक बात का आप ध्यान रखिए, ट्रेडमार्क एक्चुअली दो तरीके के होते हैं, एक होता है डिवाइस ट्रेडमार्क, एक होता है वर्ड ट्रेडमार्क। नाउ पहले क्या था, आज से कुछ टाइम पहले Amazon सिर्फ और सिर्फ वर्ड ट्रेडमार्क एक्सेप्ट करता था, अभी वो डिवाइस ट्रेडमार्क भी एक्सेप्ट करता है। लेकिन हियर इज द थिंग, अब इस बात को जरा ध्यान से सुनिए, डिवाइस ट्रेडमार्क और वर्ड ट्रेडमार्क में क्या डिफरेंस होता है। वर्ड ट्रेडमार्क का मतलब होता है कि यू आर ओनली रजिस्टर्ड बाय द वर्ड्स दैट यू हैव। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लेट्स से कि कैनन है, मुझे पक्का नहीं पता, बट कैनन सीम्स मोर लाइक अ वर्ड मार्क और नॉट अ डिवाइस मार्क, तो कैनन नाम कोई और यूज नहीं कर सकता। ठीक है, इट्स अ वर्ड मार्क, समझ गए। लेकिन अगर आप डिवाइस मार्क यूज करते हैं, देन इट गेट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। इट इज स्टिल सेफ, बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बताता हूं क्यों। बिकॉज जो डिवाइस मार्क होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके नेम को कंसिडर नहीं करता है, वो आपके डिजाइन को कंसिडर करता है, वो बहुत चीजों को कंसिडर करता है। तो प्रॉब्लम अब ये आती है कि लेट्स से कि मैंने कोई लेट्स से एबीसी बोलते हैं, मैंने एबीसी नाम का कोई लोगो बना दिया, मैंने एबीसी नाम का कोई ऐसा लोगो बनाया, लेट्स से अमेज़न की तरह ही बनाता हूं मैं, ए से लेकर सी तक ऐसे एक एरो जा रहा है। ठीक है, तो अब किसने सी से लेके ए तक एरो बना दिया और एबीसी लिखा, तो चांसेस हैं कि उसकी ब्रांड भी रजिस्टर्ड हो सकती है एबीसी नाम से, बिकॉज योर्स वाज अ डिवाइस ट्रेडमार्क एंड नॉट अ वर्ड ट्रेडमार्क। दिस इज पॉसिबल, बिलीव मी। डिवाइस ट्रेडमार्क की जो प्रोटेक्शन होती है वो बहुत कम होती है, जस्ट बाय चेंजिंग सम कलर्स एंड ऑल यू कैन एक्चुअली मैनिपुलेट समवन एल्सेस ब्रांड नेम, अपने हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हैं। कस्टमर्स को क्या पता चलेगा एरो का फेस इस तरफ है इस तरफ है, तो इससे फर्क पड़ता है। बहुत बार मैंने देखा हुआ है कुछ लोकल प्रोडक्ट्स के अंदर क्या होता है कि बिल्कुल उनका जो नेम होता है ना वो ब्रांड नेम की तरह ही होता है, बट दिस इज जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस, और लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उस बात को। तो अगर आप मुझसे पूछें, देन आई विल हाईली सजेस्ट यू टू गो विद अ वर्ड मार्क Instead of a device mark, या उसको design mark बोलते हैं। ठीक है, तो now अब एक बारे में बात करते हैं कि आपको ये trademark जो है register करवाना कैसे चाहिए। ठीक है, देखिए बहुत सारे तरीके हैं, you can contact your CA to do that। ठीक है, आप अपने CA को contact कर सकते हैं, but
CAs I will not recommend because unki actually field nahi hoti hai. They just learn it and they just learn to do it. But iske liye jo perfect log hote hain wo hote hain lawyers. This is a work of intellectual property lawyers. तो अगर आप किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर को ढूंढ सकते हैं जो कि आपको बड़े इजीली जस्ट डायल अर्बन क्लैब बहुत सारे ऐसे डायरेक्टरीज आपको वहां पे मिल जाएगा तो उनके थ्रू आप ये काम करवाइए. अब एक बात और ध्यान से सुनिए, बड़े सारे यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीजें हैं. पहले एक बहुत अच्छे से रिसर्च करिए, एक तो मैंने जो डोमेन नेम वाली बात बताई, दूसरी ये कि कहीं भी पूरे इंटरनेट पे इस ब्रांड का नाम मेंशन ना हो. मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा कर रहा हूँ ये, बहुत सारे लोग इतना सर्च नहीं करते, बट बिलीव मी इट इज इम्पॉर्टेंट. बाद में कोई पंगा ना हो इसलिए अच्छा है जो भी आपको ब्रांड नेम चाहिए, लेट्स से आपको गोलगप्पा चाहिए, आपने गोलगप्पा लिख के देखा कोई और किसी चीज का नाम तो नहीं है ये, किसी फर्म का नाम तो नहीं है ये, क्योंकि बाद में अगर आपने इंटरनेशनली एक्सपैंड करने की सोची तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना, बिकॉज USPTO और जो इंडियन ट्रेडमार्क्स है उसको कोई कनेक्शन तो है नहीं. तो गूगल पे आप एक बार सर्च करके देख लीजिए कि जितने भी आपके ट्रेडमार्क, जो भी आप ट्रेडमार्क सिलेक्ट कर रहे हैं वो कहीं किसी भी जगह कोई और मेंशन तो नहीं है वो, ठीक है. अब एक और बात, ये भी बात कोई नहीं बताता, जब आप ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने वाले होते हैं तो आपको ना वहां पे एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करना होता है. नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, अगर आप किसी सीए लॉयर या किसी से भी करवाते हैं तो वो ट्रेडमार्क जो है वो उसमें जो ईमेल आईडी जो देनी होती है वो अपनी खुद की दे देते हैं ताकि वो बार बार आपको डिस्टर्ब ना करें, ठीक है, वो खुद की दे देते हैं ईमेल आईडी. तो इससे पंगा क्या होता है कि कभी कभार जब अमेज़न पे अल्टीमेटली रजिस्टर कराने जाएंगे ब्रांड अपनी तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है. तो अच्छा रहेगा आप अपनी खुद की ईमेल आईडी दें, ध्यान से जरूर से याद से, और अपने सीए की ना दें या किसी भी और अदर पर्सन की ना दें. नाउ एक बात मैंने मुझे शायद ये बात पहले बता देनी चाहिए थी बट बता ही देता हूं, आप सिर्फ और सिर्फ अमेज़न पर रजिस्टर ट्रेडमार्क रख सकते हैं एंड ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराने में टाइम बहुत ही कम लगता है, बस एक साल, 6 to 8 months या एक साल, या थोड़ा जल्दी भी हो जाता है कई बार, 1.5 साल भी लग जाता है. Now, don't worry about that, guys. That is something that is beyond our control. ठीक है, just because उसको करने में time बहुत लग रहा है, doesn't mean you shouldn't do it. Actually, जब भी आप Amazon पे sell करते हैं, this is the first thing that you should do. Go for a trademark. ठीक है, तो trademark register, मैंने जो trademark register कराया था अपना, मुझे around 9 months लग गए थे register कराने में, but everything went very smoothly. Because I followed all the things that I just told you. मेरी brand registry within 3 days हो गई थी. Not even 3 days, actually 2 days. तो इन tips को follow करिए, एक अच्छे से professional को hire करिए to register your own brand and you're good to go. Now next thing जो जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ is deciding your class. What is class? Well, आप कोई भी product sell करते हैं, then I'm assuming कि आप एक certain category में sell कर रहे हैं. Like, I'm assuming you're not just selling everything. ठीक है, कुछ selected categories है जिनके अंदर आप sell कर रहे हैं. Let's say आप सिर्फ electronic products बेचते हैं या सिर्फ आप clothes बेचते हैं. तो होता क्या है, trademark के अंदर हर एक product के लिए एक अलग अलग class होती है. Product के लिए नहीं, product के category के लिए एक अलग अलग class होती है. For example, अगर आप electronic products sell कर रहे हैं तो उसके लिए class 9 है. अगर आप लेट्स से क्लोथिंग से क्लोथिंग फुटवेयर से रिलेटेड कुछ भी सेल कर रहे हैं उसके लिए आई थिंक क्लास 25 है. तो हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग क्लास होती है. तो ट्रेडमार्क रजिस्टर करने से पहले बड़े ही ध्यान से सर्च करिए कि आपके लिए क्लास कौन सी सही रहेगी. जो आपके सीए वगैरह होते हैं या लॉयर्स होते हैं वो भी आपको बड़े इजीली बता देंगे कि कौन सी जो क्लास है आपको वो सिलेक्ट करनी चाहिए. बट स्टिल इट विल बी बेटर इफ यू लुक इट ऑन योर ओन. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे हर एक क्लास दी हुई है और उसकी कैटेगरी रेंज दी हुई है. तो आप बड़े ही इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी क्लास जो है वो कौन सी, आपके प्रोडक्ट जो है सॉरी वो कौन सी क्लास में लाए करते हैं. नाउ दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि एक क्लास के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप दूसरी क्लास के लिए अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करने लग जाते हैं तो उसके लिए आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है. बट यू कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन क्लास.
नाउ मैं ट्रेडमार्क चार्जेस नहीं बताऊंगा इस वीडियो में बिकॉज शायद कुछ टाइम बाद वो बदल जाए, किसको क्या पता। मैंने जो पहले करवाए थे, मैंने आज से अराउंड हो गए, मुझे अराउंड 1.5 साल हो गया मैंने पहले कराया था, तब अलग चार्जेस थे, अब कुछ अलग चार्जेस होंगे। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप पहले देख लें चार्जेस क्या हैं, उसके बाद यू ऑब्वियसली आप डिसाइड कर सकते हैं कि बेसिकली आपको कौन सी क्लास में अप्लाई करना है। ऑब्वियसली यू कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन क्लास। लेट्स से अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक भी सेल करना है, क्लोथिंग में भी सेल करना है, वैसे आई डोंट नो व्हाई यू डू दैट, बट इफ यू वॉन्ट टू डू दैट, आपको अलग अलग चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको एक कैटेगरी के लिए अलग, दूसरे कैटेगरी के लिए अलग। जितने ज्यादा आपको कैटेगरीज चाहिए, जितनी ज्यादा मतलब आपको क्लासेस चाहिए, आपको उतना ज्यादा अमाउंट जो है गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, और आपको शायद उतना ही ज्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, नाउ एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि 6 to 8 months हो गए तो आप 6 to 8 months बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप अमेजोन पे ब्रांड रजिस्टर नहीं कर सकते जब तक आपका ट्रेडमार्क के ऊपर वो R साइन नहीं होता, रजिस्टर्ड का साइन होता है वो नहीं आ जाता, तब तक आप रजिस्टर नहीं कर सकते, अमेजॉन ब्रांड रजिस्ट्री में अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स के टाइटल में आप ऐसे TM मेंशन कर सकते हैं, दैट इज ट्रेडमार्क, दैट डिस्करेजेस पीपल फ्रॉम सिलेक्टिंग दैट ब्रांड नेम। ठीक है, तो अगर वो अप्लाई हो जाता है बाद में तब तो R आप ऑब्वियसली लगा ही सकते हैं, दैट्स अ लीगल रिक्वायरमेंट। लेकिन जब तक नहीं आता है तब तक आप TM लगा के भी काम चला सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो अब आता है वो आता है ब्रांडिंग का। आपको अपने प्रोडक्ट्स पे बहुत अच्छी ब्रांडिंग करनी होगी। दिस इज नॉट ओनली रिकमेंडेड बट ऑल्सो मैंडेटरी। ब्रांडिंग में क्या होता है कि इससे आपका कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक वॉच दूं, जिपलॉक बैग में से पड़ी हुई है, और एक वॉच दूं बहुत अच्छे प्रीमियम से बॉक्स में है, और बहुत बढ़िया पैकेजिंग है, डिजाइनर पैकेजिंग है, ब्राउशर्स है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स है, सब कुछ है उसके अंदर, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है, तो आपका ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट होगा या मैं आपको ऐसे पढ़ने में दे दूं? यू गॉट द पॉइंट। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, जैसे ये एक वॉच है, एडिक कंपनी है, ठीक है, तो इन्होंने, इनकी वॉच है तो इन्होंने बेसिकली अपनी पूरी ब्रांडिंग यहाँ पे क्रिएट करी हुई है। ठीक है, ऐसी मैंने अभी SSD खरीदी थी रिसेंटली लैपटॉप के लिए, तो ये WD Green नाम की SSD है, इसमें आपको पूरा दिख रहा होगा कि पूरा मतलब इन्होंने कैसे करा हुआ है। हालांकि इट्स अ वेरी बिग कंपनी, बट सो व्हाट, आप इनकी पैकेजिंग से आइडिया ले सकते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आप कैसी पैकेजिंग रखें। एंड आपके पास किंडल भी है तो आप किंडल पे भी इनकी ब्रांडेड पैकेजिंग देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो ब्रांडेड पैकेजिंग का प्रोसीजर है ये बहुत एक्सपेंसिव है, तो यार आप स्टिकर्स ही यूज कर लीजिए, That will also do. Stickers, अगर आपको लगता है नहीं थोड़े चीप लगेंगे, then you can actually look for various other kind of things like, for example, अगर आप clothing category में हैं, तो आप zip tags का use कर सकते हैं, जिनके ऊपर basically brand का जो होता है वो name आता है। ठीक है, zip tags का आप use कर सकते हैं। अगर आप let's say China से ही कोई product import करते हैं, then you can actually tell them to do laser printing. Laser printing में product का नाम बिल्कुल मतलब inscribe हो जाता है, जो भी आपका product है उसके ऊपर, ये plastic products के लिए बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, नहीं तो आप बहुत सारी और चीज़ें कर सकते हैं, you can use flyers, instruction manuals, you can even put your business card inside, so many different things. You can even redirect the customers to your website, which leads me to my थर्ड पॉइंट, जो कि रिकमेंडेड है बट मैंडेटरी नहीं है, कि यू शुड हैव योर ओन वेबसाइट। आपको स्टैटिक बनानी है वेबसाइट या डायनेमिक बनानी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट एक सिंपल सी वेबसाइट होनी चाहिए जो कि सारे के सारे जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो लिस्ट करता है, लिस्ट करती है। ठीक है, जिससे कि अगर कोई भी कस्टमर उस वेबसाइट पर जाए तो उसको पता लग जाए कि हाँ भाई दिस इज अ ब्रांड एंड ये उनके सारे प्रोडक्ट्स हैं। साथ ही साथ आपको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी अमेजोन पे। लेट्स से कोई डिस्प्यूट खड़ा होता है बाद में अमेजोन पे कि आपकी ये ब्रांड नहीं है, तो आप उनको बोल सकते हैं, एक मिनट, हेलो, एक्चुअली ये ब्रांड नेम ना मेरा है, एंड सी व्हाट अ कोइंसिडेंस कि मेरे पास डोमेन नेम भी है इसी से रिलेटेड, एंड सी व्हाट अ कोइंसिडेंस कि UPC कोड जो यहाँ लिस्टेड है वो यहाँ भी हैं। थोड़े ज़्यादा कोइंसिडेंसेस नहीं हो गए? तो आई थिंक दिस इज माई ब्रांड। सी, यू कैन कम अप विद योर ओन एविडेंस एंड रीजंस। तो हैविंग योर ओन वेबसाइट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। नाउ लेट मी टेक यू टू द एंटायर प्रोसेस ऑफ ब्रांड रजिस्ट्रेशन ऑन द स्क्रीन। ये सिर्फ आप तभी कर सकते हैं जब आपकी ब्रांड रजिस्टर हो गई है। सो आई थिंक यू विल बी डूइंग दिस आफ्टर लाइक 1 year मे बी, बट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू लर्न। इफ यू वॉन्ट टू कम बैक टू दिस लेटर, यू कैन
add this video into your watch list, but I think it is a good idea to just see how it works. So let's get onto the screen. All right, तो अभी मैं आ गया हूँ brandservices.amazon.in पे. और वैसे तो मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन बताई है वो मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने जा रहे हैं या सॉरी अमेज़ॉन पे ब्रांड रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं. बट स्टिल आई विल हाईली इनकरेज यू टू रीड एवरीथिंग दे हैव मेंशन्ड, बिकॉज समटाइम्स कोई इन्फॉर्मेशन अगर छूट जाती है, कोई बहुत ऑब्वियस इन्फॉर्मेशन है जो मैंने नहीं दी है, तो आपको वो भी पढ़ लेनी चाहिए एक बार. तो हम सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आपको बता देगा. ब्रांड मस्ट हैव अ रजिस्टर्ड एंड एक्टिव टेक्स और इमेज बेस्ड ट्रेडमार्क. उसके बाद आपको बेसिकली एग्जिस्टिंग सेलर सेंट्रल अकाउंट होना चाहिए आपका. बाय द वे जो आपको ईमेल आईडी देनी है मैंने जो बताया था वो भी आपको सेलर सेंट्रल वाली ही देनी है और कोई नहीं देनी है. एनरोल योर ब्रांड, अब बस यही है इसमें कि आप बेसिकली आपको ट्रेडमार्क नंबर वगैरह देना है, उससे आपका ब्रांड जो है वो रजिस्टर हो जाएगा. तो अब अभी हम सिंपली क्लिक करते हैं एनरोल नाउ पे. यहाँ पे हम कंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं इंडिया. तो एनरोल अ न्यू ब्रांड पे मैं क्लिक करता हूँ. तो अब यहाँ पे पूछेगा कि आपका परमानेंटली अफिक्स कोई ब्रांड नेम और लोगो है, वो तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है. आपको येस करना है और ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट भी है. डू यू इंटेंड टू रोल मोर देन 10 ब्रांड्स इन द ब्रांड रजिस्ट्री. अगर आपको 10 ब्रांड्स इनरोल करने हैं मोर देन 10, तो आप येस करिए, नहीं करना तो नो करिए. ऑलराइट, देन ब्रांड नेम टू बी रजिस्टर्ड, हम यहाँ पे अपना एग्जांपल वाला ही ले लेते हैं. हमारा था गोल कप्पा. ओके, सो दैट इज़ आवर ब्रांड नेम, कोई भी ले लेते हैं. अब इसको हम कर देते हैं सिंपली नेक्स्ट. तो अब ये बता रहा है आपको डिफरेंस वर्ड मार्क डिज़ाइन मार्क. तो बेसिकली मैंने आपको जैसे बताया था वर्ड मार्क में आपको कोई इमेज नहीं मिलेगी, सिंपली आपको इन्फॉर्मेशन आएगी कि जो आपने वर्ड दिया था दैट हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज अ वर्ड मार्क. बट अगर आप डिज़ाइन मार्क कराते हैं तो आपका पूरा कलर्स कंसिडर होंगे, बैकग्राउंड कंसिडर होगा और टेक्स्ट तो कंसिडर होगा ही, वर्ड भी कंसिडर होगा, ठीक है. बट जैसे मैंने बताया था कि देर आर एक्चुअली वेज टू मैनिपुलेट डिज़ाइन मार्क, but there are no such ways to manipulate word mark. So the best bet is to go for both of them, but if you are just starting, any of them will do fine. Okay, so don't worry about it much. If you are more of a creative person, then go for a design mark. If you are more concerned about the safety, go for a word mark. Then aapko karna hai yahan pe select a trademark type. For example, main yahan pe word mark karta hu, to aap dekhoge ki trademark number puchega aur kuch nahi puchega. Lekin agar main yahan pe design mark karta hu, तो मुझसे ये क्या कहते हैं इमेज भी मांगेगा, क्योंकि डिज़ाइन मार्क में इमेज आती है. बाय द वे जो आप इमेज देंगे इसको डिज़ाइन मार्क की, मेक श्योर दैट इट इज़ हाई क्वालिटी, बिकॉज अगर वो पिक्सेलेट हुई, ठीक है, तो बेसिकली वैसे तो वो बाय आई ही मैच करते होंगे, बट देर आर पॉसिबिलिटीज़ कि देर आर सॉफ्टवेयर टू मैच योर इमेज विद द अदर. सो मेक श्योर दैट यू प्रोवाइड हाई क्वालिटी इमेज. कई लोगों ने तो मुझे ये भी बताया है कि मान लीजिए अगर वो आपको कोई ऐसी बोलते हैं बात कि जो आपका जो ये लोगो है वो मैच नहीं हो रहा है जो वेबसाइट पे है, तो आप जो वेबसाइट पे लोगो मिलता है ना वही डाउनलोड करके यहाँ पे डालिए, ठीक है. ये सब करने के बाद आपको ट्रेडमार्क नंबर एंटर करना है एंड सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है. सो दैट्स इट गाइज, दैट्स एवरीथिंग यू नीड टू नो व्हेन इट कम्स टू ब्रांड रजिस्ट्री ऑन Amazon. अगर आपको और वीडियोस देखने हैं Amazon से रिलेटेड, देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल. हमेशा की तरह अगर आपको कोई भी टॉपिक रिकमेंड करना है, देन यू कैन जॉट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल डेफिनेटली सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.